A4 साइज का एक कागज कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार बर्बाद कर दिया। मैंने साफ साफ कहा था मैं खिचड़ी छोड़ के लिए काम नहीं कर पाऊंगा। ऐसा है, इस क्षण का बहुत दिनों से आपको भी इंतजार था और मुझे भी इंतजार था। आपको पता होगा एक हफ्ते पहले मैंने घोषणा की थी और वो घोषणा तब की थी जब महाविकास आघाड़ी की तरफ से शिवसेना ने बगैर कांग्रेस के साथ सहमति बनाए एक खिचड़ी चोर को हमारे क्षेत्र का लोकसभा का अगला उम्मीदवार घोषित किया। मैंने साफ साफ कहा था मैं खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी हमेशा हाई मोरल ग्राउंड लेती है। अभी जो बची खुची शिवसेना है उसके प्रमुख परसों गए थे वहां रामलीला मैदान में और वो भाषण देते देते बोले कि भारतीय जनता पार्टी यानी भ्रष्ट जनता पार्टी। तो भ्रष्टाचार अगर आपका इतना बड़ा मुद्दा है तो जिस व्यक्ति के खिलाफ ईडी का केस लगा है, जिस व्यक्ति के ऊपर खिचड़ी चोरी का आरोप है, जिस व्यक्ति ने सप्लायर से 1,60,00,000 की दलाली ली है बाई चेक, वो आप उसको आप किस मुंह से उम्मीदवार बनाते हैं? मैंने यही मुद्दा खड़ा किया था और मुझे लगा था कि मेरी पार्टी जो दिन रात भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सभी लोगों को नसीहतें देती रहती है शायद इस विषय को समझेगी, लेकिन मेरी पार्टी ने भी नहीं समझा। और इसलिए मैंने कल घोषणा की थी, जब मुझे पता चला कि ये कोई एक्शन वैक्शन लेने का मूड में है तो मैंने कहा काहे के लिए अपनी स्टेशनरी वेस्ट कर रहे हो, मैं कल सब अनाउंसमेंट कर दूंगा। मैंने रात को 10:40 पर खड़गे जी को अपना इस्तीफा भेज भी दिया था और मुझे लगता है कि उसके तत्काल बाद शायद उस इस्तीफे में कुछ ऐसे शब्द थे, ऐसा मेरा एक्सप्रेशन था, उनको लगा कि कुछ ज़्यादा हो जाएगा अगर हम चुप रहेंगे, तब उन्होंने इस प्रकार का एक फैसला किया। मतलब A4 साइज का एक कागज कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार बर्बाद कर दिया, ऐसा मेरा मानना है। अब रह गई बात कांग्रेस पार्टी ये सब क्यों कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस समय एकदम से संरचनात्मक ढंग से देखा जाए तो बिखरी हुई पार्टी, वैचारिक तौर पर तो दिशाहीन है, ऐसा कई लोगों ने कई बार कहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही कहा, लेकिन संरचनात्मक तौर पर एक पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी है। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था और उसका एक कॉकस होता था, उसके एक कोटरी होते थे, दरबारी होते थे और उसके खिलाफ बाकी लोग लड़ते रहते थे या संघर्ष करते रहते थे। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं, आप चौंक जाएंगे सुनकर के, लेकिन ये सब हमने अनुभव किया हुआ है। अब पूछेंगे 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं और 5 के अपने कॉकस है, 5 की अपनी लॉबी है और 5 की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है और उसमें बहुत सारे लोग हमारे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का कोई भारी हिस्सा नहीं है वो अक्सर तकलीफ में रहते हैं। और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परमादरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोटरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोटरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनकी भी एक अपनी, उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है। उनके आसपास जो लोग हैं वहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक आधार नहीं, अचानक उनके साथ जुड़ के वो हाईकमान बन गए और इस तरह की बातें करते, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते जो मैं आपके सामने यहां प्रस्तुत नहीं कर सकता। और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई, वो भी अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। जब हिंदी बोलते समझ में नहीं आता, अंग्रेजी बोलते समझ में नहीं आता, मलयाली हमको समझ में नहीं आता। एक ऐसा आदमी पिछले इतने वर्षों से बैठा हुआ है और संगठन लगातार गर्त में जा रहा है, संगठन लगातार बुरे खराब दौर में, खराब हाल में। तो एक कांग्रेस पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से
कांग्रेस के बाकी राज्यों में बैठे जो लीडरशिप है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उन लोगों का कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। और मैं पिछले 4-5 वर्षों में इसको बड़ी गंभीरता से मैंने महसूस किया है, लेकिन मैं धीरज रख रहा था। आखिरकार धीरज टूट गया, बांध टूटा धीरज का, और उसके बाद जो सामने आया वो सब आपके समक्ष है। तो ये जो वैचारिक स्तर पर जो एक द्वंद चल रहा है पार्टी में, उसकी वजह से बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं के अंदर एक निराशा और नाराजगी बनी हुई है। और अगर यूं ही चलता रहा तो आगे जाकर धीरे धीरे बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। वैचारिक स्तर पर आप देख लें, मैं थोड़ा गंभीर बात कर रहा हूं, पता नहीं आप लोग इसको कितना दिखाना चाहेंगे, कितना इसमें इंटरेस्ट लेंगे। कांग्रेस ने बार बार कहा कि हम सेकुलर पार्टी हैं और सेकुलर विचारधारा के आधार पर हम काम करना चाहते हैं। सेकुलरिज्म में कोई गलत बात नहीं है, गांधी जी लेके आए थे ये सेकुलरिज्म की विचारधारा, हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर की है। लेकिन गांधी जी के सेकुलरिज्म में धर्म का विरोध नहीं था, वो सर्वधर्म संभावता, सभी को साथ में लेकर चलते। लेकिन उसको एडॉप्ट किया नेहरू जी ने, जिसको हम नेहरूवियन सेकुलरिज्म कहते हैं। और नेहरूवियन सेकुलरिज्म में सबसे पहले धर्म का ही विरोध है, वो विचारधारा चलती रही। गांधी जी ने आजादी की लड़ाई में एक लीड ली, इस देश के तमाम लोगों के बीच वो जो विचारधारा थी नस नस में चली गई। बाद में नेहरू जी ने टेक ओवर किया, लगभग 17 वर्षों तक हिंदुस्तान पर राज किया उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री, और जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म था वो धीरे धीरे लोगों के नसों में चला गया। तो एक भूमिका होती थी कि नहीं ये गलत है, ये सही है, धर्म का जो आग्रह है उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए, उसकी लिमिट होनी चाहिए। लेकिन जैसे सारी विचारधाराओं का एक टाइम लिमिट होता है या उसकी एक उम्र होती है, एक उम्र के बाद वो विचारधारा मर जाती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है कम्युनिज्म है। 1917 में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद कम्युनिज्म आता है और रशिया में कम्युनिज्म की क्रांति होती है, रशिया में इतना बड़ा एक कम्युनिस्ट सरकार बन जाती है, उसका पूरी दुनिया में इसका प्रचार होता है। लेकिन 1991-92 आते आते पूरे कम्युनिज्म के खिलाफ विद्रोह होता है और कम्युनिज्म खत्म हो जाता है, मतलब उस विचारधारा की उम्र खत्म हो गई। बिल्कुल 70 वर्षों के बाद आज हिंदुस्तान में जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म है, जिसमें धर्म के आग्रह का विरोध होता है, धर्म के अस्तित्व का विरोध होता है, धार्मिक होने का विरोध होता है, उसकी उम्र अब खत्म हो चुकी है। और इसको मानने समझने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है। आज दुर्भाग्य यह है कि उन नेहरूवियन सेकुलरिज्म को सबसे ज्यादा तेजी से लेकर चलने वाले लोग हैं वो कम्युनिस्ट हैं, हिंदुस्तान के लेफ्टिस्ट हैं, वो खुद ही खत्म हो चुके हैं। परसों में एक चैनल पे बोल रहा था कि पूरे कांग्रेस पार्टी पे लेफ्टिस्ट अप्रोच भर गया, हावी हो गया। आदरणीय राहुल जी के आसपास भी बड़े पैमाने पे लेफ्टिस्ट लोग, ये लेफ्टिस्ट हो सकते हैं जो अयोध्या में अगर रामलला विराजमान हो रहे हैं तो उनका सिरे से विरोध करेंगे। सिर्फ लेफ्टिस्ट ऐसा सोचता है, क्योंकि उनके जो प्रवर्तक थे विचारधारा के कार्ल मार्क्स, वो कहते थे धर्म अफीम है, धर्म का विरोध करते थे। तो वो धर्म के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, धर्म की आस्था में विश्वास नहीं करते। कई लोगों को रामलला विराजमान का जो एक कार्यक्रम था, राम मंदिर का भव्य उद्घाटन था, उसके लिए बुलाया गया था, और सब लोग सरकार से या बीजेपी से सहमत हों ऐसा नहीं था, लेकिन सभी लोगों ने बड़े प्यार से सम्मान से कहा कि साहब धन्यवाद, आपकी चिट्ठी मिली, आज अभी फुर्सत नहीं, बाद में कभी हम आ जाएंगे। लेकिन किसी ने भी उस पूरे आयोजन, पूरे उत्सव के ऊपर सवाल नहीं उठाया। अकेला कांग्रेस पार्टी की चिट्ठी है जो कहती है कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है, और उस आधार पर उन्होंने राम के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाया, राम के होने पर और राम के प्रति जो आस्था है, उस आस्था को ही नकार दिया। बाद में बड़ी फजीहत हुई, और उसके बाद 3-4 दिनों तक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उसके ऊपर जवाब देते रहे। यह लेफ्टिस्ट अप्रोच था, लेफ्टिस्ट प्रभाव था, यह कम्युनिस्टों का प्रभाव था कांग्रेस पर। आज हालात यह है कि यह हिंदुस्तान पूरी तरह से धार्मिक हो गया है। पहले जो लोग बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े फिल्मकार मंदिरों में जाने से कतराते थे या मंदिरों में जाने जाते हुए दिखने से कतराते थे, आज गर्व से जाते हैं। ये जो धर्म का जो आग्रह है, इसमें कहीं से गलत नहीं है, इसमें कहीं से ये नहीं कहा जा रहा कि दूसरे धर्मों से नफरत करिए।
बाकी धर्म के लोग भी उतने ही अपने धर्म के प्रति आग्रह रखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म था उसने कहीं ना कहीं लोगों को हिंदू धर्म को मुख्य धारा से बाहर कर दिया था, और हिंदू धर्म में आस्था रखना मतलब कोई गुनाह है या ब्लास्फेमी जैसा है, धर्मद्रोह है, इस प्रकार की एक भूमिका बन गई। आज कांग्रेस पार्टी वैचारिक स्तर पर अगर इस खांचे में देखें तो पूरी तरह से इरिलेवेंट हो गई, इस खांचे से बाहर हो गई। इसलिए लगातार लोग टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं या अंदर अंदर कसमसा रहे हैं। तो वैचारिक आधार पर हालत खराब है, संगठनात्मक स्तर पर पूरा बिखरा हुआ है मामला। जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उन मुद्दों के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं दिखता, सुबह कुछ बयान शाम को कुछ बयान। जो नारे हैं ऐसे नारे हैं जो उनके घर में भी एक बार से दोबारा नहीं बोला जाएगा। न्याय का हक मिलने तक कितनी बार कोई बोल सकता है, कोई नारा है? और ये नारा लेकर के हम लोग निकल गए। उसका कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बड़े पैमाने पर ऐसे लोग बैठ गए हैं जिनका जमीन से कोई नाता नहीं रह गया। जमीन पे क्या हो रहा है इसकी समझ नहीं है, इसकी पकड़ नहीं है। आधे से ज्यादा लोग तो आउटडेटेड हो चुके हैं, स्क्रैप मटेरियल है वो। ऐसे लोगों के हाथ में कांग्रेस की कमान है, तभी संजय निरुपम जो बोल रहे हैं उसको सुनने वाला कोई नहीं है वहां पे, और उसका नतीजा कल निकला और आज आपके सामने हूं। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी के समक्ष मैंने विषय रखा था कि साहब मुंबई महाराष्ट्र में या कहीं पर भी अलायंस कर रहे हैं तो अपने अस्तित्व को बचाने का भी एक विशेष आग्रह रखिए। मुंबई में क्या हुआ, 6 में से 5 सीटें दे दी गई, इसका मैंने विरोध किया। यह विरोध करना कुछ गलत है? मैं कह रहा हूं कि इससे कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में मुंबई में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ये मैं सच बोल रहा हूं। और इस सच के लिए सजा ये दे रहे हैं कि आप संजय निरुपम को निकाल रहे हैं पार्टी से। अगर सच बोलना गुनाह है तो यह गुनाह मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए कि शिवसेना के सामने आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। मुझे यह भी पता है कि जब मैंने खिचड़ी चोर का मुद्दा शुरू किया और शिवसेना पर जोरदार हल्ला किया, हमला किया, तो जो बची खुची सेना के प्रमुख हैं उन्होंने जोरदार दबाव डाला दिल्ली में कि अब तो संजय निरुपम को निकालिए आप। दूसरी पार्टी के नेताओं के कहने पर आप अपनी पार्टी के नेताओं को निकाल रहे हैं, ऐसे कांग्रेस पार्टी चलेगी और बचेगी आने वाले दिनों में? यह एक बड़ा प्रश्न है और जिसका जवाब मेरे पास है, आगे भविष्य नहीं है। मेरे पास सुबह से कई लोगों के फोन आ रहे हैं, मैसेज भी पड़े हैं, साहब थोड़ा शांत रहिएगा, 2-4 महीने में सब ठीक हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी का भविष्य है। और मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी का अब कोई भविष्य नहीं, कांग्रेस पार्टी अब इतिहास जमा हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी में कुछ कुछ पॉकेट्स रहेंगे, जैसे ब्रिटेन में जाएंगे तो लिबडेम पार्टी है, एक लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके भी 2-4 MP चुन के आते रहते हैं। यहां पर भी कम्युनिस्टों के कुछ MP चुन के आते रहते हैं, वैसे ही 2-4, 5, 10, 12, 25, 50 ऐसे MP चुन के आते रहेंगे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की राजनीति की मुख्य धारा की पार्टी नहीं रही। उनके आचरण से, उनके कर्मों से, उनके एक्शन से, उनके कदमों से ये बात स्थापित होता है। सिर्फ मैं निकाला गया हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। जिस तरह से पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं का, नेताओं का एक भयंकर असंतोष है उनके अंदर, क्षोभ है उनके अंदर, उसकी वजह से यह कांग्रेस पार्टी को आगे लेके जाना बहुत मुश्किल है। जो लोग वहां पे हैं पता नहीं उनमें से कौन कब छोड़ के निकल जाएगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। जो लोग मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, जिनके हाथ में नेतृत्व दिया गया है, वो कब तक कांग्रेस में, इसकी गारंटी वो भी नहीं दे सकते। और आज जब ऐसी पार्टी जिसका पूरा गांव उजड़ गया है, उसके प्रधान के अंदर आप एक अहंकार देखो, भयंकर अहंकार है आज भी उजड़े हुए गांव के प्रधान का अहंकार। जब मैंने पिछले हफ्ते अनाउंसमेंट की तो महाराष्ट्र प्रदेश के जो प्रमुख हैं वो कहते हैं कि मी आला आमी आला भीख पन घालत नहीं, मतलब हम इसको भीख भी नहीं देते, इसको जाना है जाओ, वी डोंट केयर। कहां से लाते हैं इतना अहंकार है लोग? कुछ पता है आने वाले 4 जून को जो फैसला होगा तो क्या होगा? नीचे की जमीन पूरी खत्म हो गई है। दुष्यंत कुमार लिखे थे कि नीचे जमीन नहीं और उनको यकीन नहीं है। तो ऐसे
अहंकारी लोगों की पार्टी है जिनका सब कुछ लुट पिट गया है, वो हाल है कांग्रेस पार्टी का। अब अलायंस हुआ, शिवसेना कितनी बिखरी हुई है, टूटी फूटी पार्टी है, साफ दिख रहा है। शरद पवार जी की पार्टी का भी हाल दिख रहा है, कांग्रेस का हाल मैंने बता दिया। तो तीन लॉस मेकिंग यूनिट का मर्जर हुआ है। अब जो लॉस मेकिंग यूनिट्स, लॉस मेकिंग कंपनियों का मर्जर होता है तो उसके बाद जो कंपनी बनती है वो भी लॉस मेकिंग होती है। पहले BIFR में होते थे, अब NCLT में जा रहे हैं। किसी ने मुझे पूछा कि ये शरद पवार की पार्टी क्या, मैंने भूषण स्टील है। शिवसेना क्या है, वो सेंट्रल मुंबई का जो बंद पड़ा टेक्सटाइल मिल है, मिल की बिल्डिंग खंडहर के तौर पे पड़ी है, मिल के नीचे पुराने मशीन भी पड़े हैं, बेचारे कपड़ा मिल के मजदूर भी है लेकिन प्रोडक्शन नहीं है कुछ भी। कांग्रेस पार्टी का हाल क्या है, बिहार के चीनी मिल की तरह है, गौरवपूर्ण अतीत है। बिहार में जाएंगे, छपरा में जाएंगे, सारण में जाएंगे, सोनपुर में जाएंगे, लोग बोलेंगे कि जबरदस्त यहां पे शुगर मिल हुआ करता था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, खंडहर हो चुका है। तो एक खंडहर हो चुकी पार्टी, एक खंडहर हो चुका मिल, बंद पड़ा हुआ टेक्सटाइल मिल और भूषण स्टील की तरह NCLT में बिका हुआ एक तीसरी पार्टी। तो ऐसी तीन पार्टियों के सम्मेलन की वजह से, और तीन पार्टियों की हालत क्या होता है, जब एक कंपनी जब बंद होती है ना तो छीना झपटी चलती है, जिसको जो मिलता है वही बेच के उसको मोनेटाइज करता रहता है। जब एक कंपनी जब बंद होने सिख हो जाती है तो उसमें से कोई पार्ट बेचता है, कोई जमीन बेचता है, बिल्कुल उस तरह के हालात हैं। और ऐसे में MVA एक बहुत ही कमजोर ऑर्गेनाइजेशन है इस समय यहाँ पे, क्योंकि उनके पास सही फैसला लेने का कोई भी समझने कोई भी जानकारी नहीं। अब आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जो आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि आगे क्या। अभी खरवास का महीना चल रहा है, कुछ मत पूछिए, अभी कोई शुभ नहीं होने वाला। 9 तारीख से नवरात्रि शुरू होगी, तो जो होना होगा करेंगे। और इतना आपको बता देता हूं कि चुनाव लड़ूंगा और इस बार जीतूंगा और यहीं से लड़ूंगा, यहीं से जीतूंगा, यह आप समझ लीजिए। और जो लोग ये समझ रहे होंगे कि अब संजय निरुपम की ओबिचुरी लिख दी जाए, उनको 4 जून को बड़ी भारी निराशा हो सकती है। मैं आज ही उनको सावधान कर देना चाहता हूं। रह गई बात हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को, क्योंकि बहुत दिनों से हल्ला है कि संजय निरुपम नाराज है, आ सकते, जा सकते, छोड़ सकते, जा। तो पार्टी के जो ऐसा नेतृत्व जिसमें जंग लग चुका है, जो घर से बाहर नहीं निकलता, लोगों के बीच नहीं जाता, ऐसे जंग लगे हुए नेताओं ने हमारे कार्यकर्ताओं पे, नेताओं पे जिले में दबाव डाला, तुम जाओ मत, ये करो, वो करो, तुम्हारा बहुत उज्जवल भविष्य है। सबने पलट के पूछा कि भाई जब संजय निरुपम का ही भविष्य नहीं तो हमारा क्या भविष्य हो गया। फिर भी मैं आज अपने सभी साथियों को कहना चाहूंगा, मैंने कई लोगों से पूछा, कई लोग आना चाहते हैं, कई लोग नहीं आना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे की भूमिका जब तय होगी तो सब आएंगे, लेकिन अभी जिसको जहां रहने का मौका है वहीं पर रहे और जिसको आना है आए, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी नेता पर मेरा कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अब आप लोग बता सकते हैं। अनुशासनहीनता मतलब क्या होता, जो नेतृत्व है वो जब आपकी बात नहीं सुनता है तब आप बाहर जाते हैं, तब आप पब्लिक में जाते हैं, खड़गे जी के पास जाइए तो सिर्फ सुन करके रह जाते हैं, वन वे ट्रैफिक है वहां पे। दूसरा जो जनसंख्या ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या बोलते समझ में नहीं आता, बाकी ऊपर जो तीनों मिलते ही नहीं किसी से, तो बताओ क्या करेगा इंसान। और जो मैं कर रहा हूं वो पार्टी को मैं पार्टी को बचाने के लिए कर रहा था। और जिनका आपने नाम लिया वो पार्टी को बचा रहे हैं क्या? जिस तरीके से वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ खिलवाड़ किया गया उसमें कहीं से लगता है कि पार्टी के बचाने का प्रोग्राम था? ये सब पार्टी के अंदर बैठे हुए विभीषण है, और कब लंका जला के भागेंगे इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है। तो ऐसे विभीषणों की चिंता हमको नहीं है। वो अभी बता देंगे आपको, इंडिपेंडेंट चार नहीं लड़ेंगे, इतना चिंता मत करिए।
जो जय श्री राम करना किसी पार्टी से नाता होता है क्या? भगवान राम हिंदुस्तान के प्राण हैं, राम के जो मूल्य हैं, राम के स्थापित मूल्य हैं, उन मूल्यों पर आधारित हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का समाज है। चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का, जो हिंदुस्तानी है वो राम के मूल्यों में विश्वास करता है। और वो सिर्फ धर्म नहीं है, वो हमारी एक 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 एक, एक सांस्कृतिक परंपरा है, और उस परंपरा से जुड़ के जीना पड़ेगा। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म था उसी परंपरा से आपको डिस्कनेक्ट कर रहा था, जिसके बारे में कह रहा हूं कि अब उसकी उम्र खत्म हो गई है। उस विचारधारा के नेहरू जी बहुत महान नेता थे, उनके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है, लेकिन हर व्यक्ति की विचारधारा की एक समय सीमा होती है, और उस समय सीमा अब संपन्न होती दिख रही है, जिसका सामने आपको चारों तरफ उसका सबूत दिखेगा। हाँ, अगर ये बात, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जब मैं मुंबई का अध्यक्ष था तो मैंने तय किया कि मुंबई कांग्रेस में सत्यनारायण भगवान की कथा कराऊंगा। गलत क्या है भाई इसमें? तो हमारे एक दो साथियों ने बोला मत करिए साहब। क्यों? कि तमिलनाडु का कोई अध्यक्ष बना था, उसने कोई ऐसी पूजा वूजा कराई थी तो उसके खिलाफ पार्टी ने एक्शन ले लिया था। बाप रे, बड़ा खतरनाक है। फिर मैं जिद पे अड़ा और आखिरकार कथा मैंने कराई। तो एक आग्रह होता है, और मैं यही कहना चाहूंगा, सेकुलरिज्म का मतलब अपने धर्म से टूटना नहीं हो सकता। धर्म से विमुख होकर के कोई व्यक्ति नहीं जीत सकता। हर व्यक्ति बुनियादी तौर पर धार्मिक है, चाहे मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या जू हो, सबके अपने अपने धर्म है, सबके अपने अपने देवता है, लेकिन यहां अपने धर्म से और देवताओं से विमुख होकर जीना चाहिए। ये जो सेकुलरिज्म सिखलाता है, अब उसकी उम्र खत्म हो गई। अभी ऐसे बहुत सारे ऐसे बहुत सारे पुराने बयानों को आप लेके आएंगे और थोड़ी बहुत बदमाशी करने की कोशिश करेंगे, तो आज ऐसी बदमाशी न करें, मेरा आप सबसे आग्रह है। ऐसा है, मैं एक आउटस्पोकन व्यक्ति हूं, बोलता हूं। जिस पार्टी में रहता हूं उस पार्टी की भूमिका, उस पार्टी की जो विचारधारा है, उस पार्टी का जो दृष्टिकोण है, उसको बड़ा खुल के रखता हूं। और मैं अकेला ऐसा नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप हमारे जो पुराने ट्वीट और पुराने बयानों को जब खोद खोद के निकालेंगे, तो ऐसे मैं अकेला नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे बयानों और ट्वीट के बावजूद इस समय पार्टी छोड़ करके कहीं और बैठे हुए हैं। मुझे नहीं मालूम किसने माफी मांगी। अब इतना ज्यादा अभी मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिरेल मत करिए त्रिवेदी जी महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। अभी रुक जाए, थोड़ा धीरज रखिए। अभी आने वाले दिनों में बहुत बार बोलेंगे, अभी बहुत लोग मेरे खिलाफ बहुत सारी बातें बोलेंगे, तब का जवाब दिया जाए। ऐसा नहीं होता। देखिए, ठीक है, ऐसा नहीं होता। आप बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं मान लीजिए किसी का विरोधी हूं, तो विरोधी स्वर उस व्यक्ति या उस संस्था के बारे में अपनाता हूं, लेकिन जैसे मैं तय कर लेता हूं कि मुझे अब इनका विरोधी नहीं रहना है, इनसे हाथ मिलाना है, इनके साथ बैठना है, तो निश्चित तौर पर जो आपकी वो भूमिका थी, वो भूमिका से आप पीछे हट जाते हैं। यह एक सैद्धांतिक आधार है। मैंने तो कल बताया, परसों माझा कट्टा में, कि हिंदुस्तान में इस समय सोना का भाव, बेटी की उम्र और मोदी जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। तो अब उसके बाद आगे क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। एक बार में एक व्यक्ति बोले, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। ये जनाब मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, आप चिंता मत करिए, उनसे मिल करके मैं करूँ। हाँ, मेरे पुराने कुछ लोग इस तरह की बातें करेंगे, और करना भी चाहिए, जनतंत्र है। जनतंत्र में सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है। आगे जाकर के कैसे सामंजस्य स्थापित करना है, थोड़ा हम पर छोड़ दीजिए। अभी इस बारे में मैं कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देने की स्थिति में नहीं।
अर्थात एक मिनट मराठी शुरू करूं। मैं सिर्फ राहुल गांधी जी को दोष नहीं दूंगा, पूरी कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग राज्यों में जो अपना पॉलिटिकल कामकाज है उसको वहां के स्थानीय पार्टियों के ऊपर को आउटसोर्स कर दिया है कि हमारी पार्टी आप ही चलाइए, चाहे बिहार हो या महाराष्ट्र हो या तमिलनाडु दिख रहा है आपको। तो किसी एक व्यक्ति का फेलियर है, मैं नहीं सोचता। पार्टी के अंदर की जो सोच है उस पूरी सोच दोषपूर्ण है। आप मजबूत रहेंगे तो कोई मजबूत आदमी आपसे हाथ मिलाएगा, आप कमजोर हो जाएंगे तो आपसे कोई हाथ नहीं मिलाएगा। तो आने वाले दिनों में प्रकारांतर में कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर होगी, और आज जो लोग आपसे हाथ मिला रहे हैं वो आपसे हाथ भी नहीं मिलाएंगे। एक मिनट मराठी मध्ये आते तो ना मराठी ये हम 9 तारीख के बाद नवरात्रि शुरू होने के बाद आपको बताएंगे कि अगला ठिकाना क्या है। मैं बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये जो कॉरपोरेट लैंग्वेज में बोला जाता है ना कि बिफोर लीविंग अ कंपनी यू शुड हैव अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ अनदर कंपनी, मेरे पास ऐसा कोई सीन नहीं है। ऐसा कोई मैं अभी इस पर कुछ नहीं बोलूं। मैं अब कहां कुछ बोल रहा हूं। अच्छा चलो, अच्छा शुरू करो मराठी। गेला आठवड्यात जेव्हा तुम्ही सगळे माझ्या प्रेसर साथी आला होता तेव्हा मी एक अनाउन्समेंट केला होता की आता मी एक आठवडा वाट पाहणार माझ्या पक्षाचे जो नेतृत्व आहे त्यांच्याशी। कारण महाविकास आघाड़ी तर्फे शिवसेना ने परस्पर बोलून शिवाय जो उम्मीदवार दिलेला आहे तो खिचड़ी चोर आहे, तो स्वतः तो खिचड़ी चोर आहे, पण ते पक्षाचे जो अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ते आहे उनके फॅमिली त्यांच्या कुटुंबात पर खिचड़ी चोर आहे। तो असा खिचड़ी चोर आणि भ्रष्टाचारी आणि ज्यांच्या विरोधात ईडीची स्कॅम ईडीची प्रोब चालू आहे, चौकशी चालू आहे, त्यांच्यासाठी मी प्रचार नाही करणार। एक तो भ्रष्टाचारी आणि दुसरा मी स्वतः इकडचे उमेदवार। 2019 मध्ये पडल्यानंतर मी या विभागात अनवरत 5 वर्षापासून काम करत आहे। पक्षाने मला पण सांगितलं होतं कि हम आपको AICC में नहीं ले रहे क्योंकि आपको लोकसभा लड़ना है। कभी याच्यावर वाद उठेल तो मैं नाव पण सांगणार आणि मोठा नेता कोणी काय बोलला मला मी सांगू शकतो, पण माझी तयारी होती लोकसभा निवडणूक लढण्याची। आणि आमचे पक्षाचे लोकांनी जो सीट वाटप साथी जो वाटाघाटी होत होतो त्या प्रक्रियामध्ये बसून जाणून बुजून माझा सीट त्यांनी गमावला आणि ही सीट एक भ्रष्टाचारीला दिला, माझा याचा विरोध होता। मला असा वाटत होता की पक्षाचं नेतृत्व माझ्याशी संपर्क करेल। काल परवा फोन होता, एकाचा मिस्ड कॉल होता, दुसऱ्याने सांगितलं अभी नेक्स्ट वीक तक कुछ मत करो आप। मैंने कहा ना, आता निर्णय झालेला आहे, मोठे नेते आहे, महाराष्ट्राचे जो प्रमुख आहेत त्यांनी काय बोललं कि मी निरुपमला भीक पण घालत नाही। तुम्ही महाराष्ट्राचे प्रमुख आहात आणि एवढा अहंकार, ओसाडलेली गावाची पाटीलकी चलवता तुम्ही, तुमचा गाव संपलेला आहे तरी तुम्ही पाटील
आम्ही प्रधान, आम्ही सरपंच, आणि जेव्हा जेव्हा सर्व सब सब सबकुछ तुमचा एक लुटलेला आहे तेव्हा तुम्ही एवढा अहंकार घेऊन का बोलता, कसं बोलता? माझ्या मनात हा प्रश्न आहे. कालच मी असा एक निर्धार केला की आता सोडण्याचा वक्त वेळ आलेला आहे. आणि जेव्हा मी सोडण्याची तयारी करत होतो मला असा लोकांनी सांगितलं की ते त्यांच्या तुमच्या विरोधात ते ॲक्शन घेणार. मी सांगितलं बाबा कशाला तुम्ही तुमच्या स्टेशनरी नष्ट करता तुम्ही. आज A4 एक पेज त्यांनी बर्बाद केलं माझ्यावर. मी सांगितलं की मी उद्या मी निर्णय घेणार. तो आज माझा निर्णय असा आहे की आता काँग्रेस पक्षामध्ये राहण्याचा काहीही उपयोग नाही. काँग्रेस पक्ष संपलेली पक्ष आहे आणि काँग्रेस पक्ष बरोबर जो शिवसेना और बाकी बच्चे ब, 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 एक एक शिल्लक राहिलेला जो NCP जो एक अलायन्स आहे त्या अलायन्समध्ये आता काहीही दम नाही आहे आता. आणि हे तीनही पक्ष मिळून काही करू शकत नाही. त्यांचा जो कॅन्डिडेटचा जो एक निवडून निवडण्याचा जो प्रक्रिया तो पण दोषपूर्ण आहे. त्यांचा कनेक्ट नाही आहे. आणि असं परिस्थितीत आता जेव्हा काँग्रेसचा नेतृत्व माझा काही ऐकत नाही त्या असं परिस्थितीत मला काँग्रेस पक्ष सोडण्याचा एक निर्णय घेतला पाहिजे. आणि जेव्हा मी निर्णय घेत होतो तेव्हा त्यांनी माझ्या विरोधात एक हकालपट्टी केली. का हकालपट्टी केली माझी? मी सच बोलत होतो. माझा सच काय होता? संघटन बचवायचं आहे. संघटन काँग्रेस पक्ष वाचविण्यासाठी मी गेला कित्येक महिन्यापासून संघर्ष करत आहोत. ज्यांच्या हातात तुम्ही नेतृत्व दिले आहात ते सगळे कोणाचे हात मिलवणी केलेले आहेत कोणाला माहीत नाही आहे. ते पक्षाच्या हित, पक्षाच्या नेतृत्व, पक्षाच्या बळकटी करण्यासाठी काही करत नाही. एकही आंदोलन नाही. कसा लोकांना तोडायला पाहिजे त्या त्यांच्या कारस्थान आहे. आणि त्या कारस्थानचा नतीजा मी आज समोर तुमच्या समोर बसलेले आहोत. तो आता काँग्रेस पक्ष सोडलेला आहे. पुढे काय करायचं नवरात्रीच्या दरम्यान आम्ही ठरवणार. आणि माझे जो सगळे सहकारी आहेत त्यांना मी सांगितलं आहे की ज्यांना यायचं या नाही यायचं येऊ नका. जिकडे आ तुम्ही तुमचा भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी काम करा. आबा मराठी आता सध्या मी सांगू शकत नाही कुठल्या पक्षमध्ये आणि कुठल्या ग्रुपमध्ये और कुठे जाणार. पण नवरात्रीच्या दरम्यान काहीतरी एक निर्णय घेण्याची परिस्थिती आहे. उत्तर पश्चिममधून निवडणुकी लढणार आणि यावेळी जिंकणार. माझे जुने मित्र आहेत आणि जे काही आहे आमच्यामध्ये आम्ही सॉल्व्ह करून घेणार. तुम्ही काळजी करू नका. जे काही लोकतंत्र आहे, लोकशाही आहे, ते सगळे स्वतःचे आवडीनुसार शब्दाचा प्रयोग करतात, करू द्या, काही हरकत नाही. तुम्ही महायुतीचे जो नेते मंडळी आहेत त्यांच्याशी विचारा. मला राहू द्या. असं होतो जेव्हा तुम्ही एक दुसरा पक्ष मध्ये राहता त्या पक्षानुसार एक भूमिका घेता. जेव्हा तुम्ही ठरवता की आता या पक्षामध्ये नाही राहायचं आणि दुसरा ग्रुप मध्ये जायचं, दुसरा एक ग्रुपशी एक संपर्क करायचा आहे, तो ठीक आहे. जो जे काही माझा स्टेटमेंट आहे आणि माझं ट्विट आहे त्याच्यावर थोडाफार रिमोर्स करून आम्ही आता स्टँड आता बदललेला आहे. आणि स्टँड बदलण्याचा माझ्याकडे एक लोकतांत्रिक अधिकार आहे. चुकीचं आहे की याच्यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला एक या देशाचे घटनाने जो बाबासाहेब परमपूज्य बाबासाहेब आंबेडकरने जो घटना दिली आम्हाला त्यांनी अधिकार दिलेला आहे की तुम्ही ठरवा तुमचा विचार काय असेल, तुम्ही ठरवा तुमचा पक्ष काय असेल, तुम्ही ठरवा तुम्हाला कुठे जायचं आहे. हा एक संवैधानिक अधिकार आहे आणि हे घटनात्मक अधिकार घेऊन मी उभे आहे तुमच्या बरोबर बसलेले आहोत. एक मिनिट थांब. तो त्यांच्या आत्मदेचा विषय आहे. याच्यावर मला काही बोलायचं नाही आहे. आणि
बघा तुम्ही जरा आशीर्वाद द्या मला, तुम्ही ताई आहात. नाही, जय श्री राम बोलणं म्हणजे पार्टी पॉलिटिक्स नाही आहे. भगवान राम भारताचे प्राण आहेत, त्यांनी जो मूल्य स्थापित केला त्यांच्या मूल्याच्या आधारावर या देशामध्ये 5000 वर्षापासून एक परंपरा चालू आहे, त्या परंपराचा सम्मान केला पाहिजे, त्या परंपराच्या विरोधात नाही जायला पाहिजे, हा माझी भूमिका आहे. मी सांगतो ना जरा थोडा एक दोनदा नंतर पण भेटूया ना आणि चर्चा करूया. हा हा, भेटू शकतो. माझे मित्र आहेत, जुने मित्र आहेत, माझे सिनियर आहेत, माझे लीडर असले. हा, तुम्ही मी बोललो की जो आंतरराष्ट्रीय प्रवक्ते आहेत त्यांनी सर्वप्रथम त्यांनी स्वतःच्या पक्षाला संपवला, नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसला संपवला, आता काँग्रेस पक्ष संपविण्याचा एक डाव ते रचत आहेत. का? त्यांची मनात अशी इच्छा आहे की मुंबईमध्ये जो पॉलिटिकल स्पेस आहे अपोजिशनचा, त्या स्पेसमध्ये फक्त त्यांचा जो उबाठा ग्रुप आहे त्याचा हक राहिला पाहिजे, त्यासाठी ते प्रत्येक पक्षाला काटत आहेत. पण ह्या ही प्रक्रियामध्ये त्यांच्या स्वतःचा पण विनाश होईल एकदा, माझी अशी भाकीत आहे. टॉप 20 माझ्यावर कुठल्या सीबीआयच्या चौकशी नाही आहे, ईडीची चौकशी नाही आहे, साधा जो पोलीस स्टेशन में केसेस आहेत फक्त पॉलिटिकल मुवमेंटचे केसेस आहेत आणि मला गर्व आहे त्या केसेस बद्दल. माझ्याबद्दल कुठल्या प्रकारचा एकही आरोप कोणी लावू शकत नाही. मी त्यांच्यासारखा आर्थर रोड जाऊन फिरून आलेला नाही आणि पुन्हा पण आर्थर रोड जाऊन जाण्याचा भाग पडू शकतो त्यांच्यावर. काँग्रेसने जर मला उमेदवारी दिली असती म्हणजे काँग्रेसमध्ये काहीतरी चांगला घडत आहे असा तुम्हाला मला वाटू शकतो. पण काही चांगला होत नाही. जे काही नाव अनाऊन्स होत आहे मग त्यांचे नाव पाहतो आणि बाबा फिरे पडेगा फिरे गिरेगा. आता काय काय असा परिस्थिती आहे. पक्षामध्ये पैसे नाही, अकाउंट सीज झालेलं आहे. आमचे खडगे साहेब रामलीला मैदान मध्ये मंचकावर भाषण देतात की काँग्रेस ने इतना बलिदान दिया है, इंदिरा जी ने बलिदान दिया, राहुल गांधी ने बलिदान दिया, उनपे हमले हुए, उनके शरीर के कई टुकड़े हो गए, कांग्रेस के अध्यक्ष बोलने पीछे राहुल गांधी बैठे हुए, क्या होगा कांग्रेस का. इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आता आउटडेटेड लोकांच्या हस्ते काँग्रेसचं नेतृत्व तुम्ही दिलेलं आहात. कालच काय झालं, दिल्लीमध्ये दिल्ली प्रदेश कमिटीमध्ये त्यांचा माईकच बंद झाला, ते रडत होते. तर जो मी तुम्हाला सांगितलं ना की 5 पॉवर सेंटर आहे, ते पॉवर सेंटरमध्ये जबरदस्त एक संघर्ष चालू आहे पक्षामध्ये आणि या संघर्षमध्ये ते संपणार. ज्यावेळी मी काँग्रेसमध्ये गेलो होतो ना त्यावेळी माझी प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये मी काय बोललो होतो तुम्ही शोधून घ्या, तुम्हाला ऐकेल, तुम्हाला समजेल. त्यावेळी पण असाच एक प्रेस कॉन्फरन्स होती. बिल्कुल, वल्लभ जी का यह बयान सही है. और यही बात मैं कह रहा हूं एक दूसरे शब्दों में, दूसरी भाषा में, क्योंकि ये पार्टी के अंदर बहुत सारे कार्यकर्ताओं नेताओं के अंदर ये भूमिका आ गई है, ये विचार बन गया है.
जिसको समझने मानने के लिए पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो इस समय संचालन कर रहे हैं, वो तैयार ही नहीं है। उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, बाबा समय बदल गया है, 1947 नहीं है ये, 1960 नहीं है, 1990 नहीं है, ये 2024 है। पूरा एक जेंजी जेनरेशन तैयार है, जिसके अपने आग्रह हैं, अपने सरोकार हैं, पूरी एक नई जनरेशन है, पूरे नई सोच है, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। और समय के साथ जो नहीं बदलता वो खड्डे में गिर जाता है, बहुत पुरानी कहावत है। बिल्कुल, धन्यवाद। अभी जरा नवरात्रि आने दीजिए, फिर बताएंगे।